ज्योतिरादित्य सिंधिया खिलाफ चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय। सिंधिया को उनके गढ़ में घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सिंधिया भी दिग्विजय सिंह को उनके गढ़ में घेरने में जुटे। राजा और महाराजा के बीच मध्य प्रदेश में हो सकता है दिलचस्प मुकाबला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार सीएम शिवराज और कांग्रेस की ओर से सीएम पद के दावेदार कमलनाथ के बीच जबरदस्त मुकाबला है, तो दूसरी ओर राजा और महाराज भी भिड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके समर्थक महाराजा कहते हैं, ग्वालियर राज परिवार से आते हैं, तो दूसरी ओर राधोगढ़ राज परिवार से आने वाले पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से उन्हें चुनौती मिल रही है। दिग्विजय और सिंधिया दोनों का ही पूरे प्रदेश में आधार है और खासतौर पर ग्वालियर चंबल रीजन में तो दोनों के समर्थकों की भरमार है। सिंधिया को दिग्विजय उनके घर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिंधिया भी दिग्विजय सिंह की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। खासतौर पर राधोगढ़ और चचौड़ा विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाने की कमान सिंधिया को ही सौंप दी है। राधोगढ़ विधानसभा सीट से दिग्विजय सिंह कई बार चुने जा रहे हैं। इस समय उनके पुत्र यहां से विधायक हैं, तो चचौड़ा सीट भी दिग्विजय के परिवार की सीट ही मानी जाती है। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह यहां अभी विधायक हैं। राधोगढ़ को दिग्विजय का अजय किला भी कहा जाता है, क्योंकि आज तक यहां से बीजेपी जीत नहीं पाई है। अब सिंधिया के सहारे बीजेपी इस किले में सेंधमारने की कोशिश में जुटी हुई है। जिस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उस समय कहा जाता था कि चौपेट के इस पार सिंधिया, उस पार दिग्विजय है। चौपेट गुना में बहने वाली एक नदी का नाम है। नदी के इस तरफ महल यानी सिंधिया और उस तरफ किला यानी दिग्विजय सिंह का प्रभाव है। कुछ इसी तरह दोनों नेताओं ने अपनी सीमाएं बांध रखी थी। चौपट के इस पार की गुना और बमोरी विधानसभा में दिग्विजय सिंह दखल नहीं देते थे, इसी प्रकार चौपट के उस पार की राघोगढ़ और चचौड़ा विधानसभा सीट में सिंधिया खुद को दूर रखते थे। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद ये परंपरा टूट गई। दोनों ही नेता एक दूसरे के इलाकों में जाने लगे। 2020 के विधानसभा उपचुनाव में दिग्विजय सिंह ने बमोरी में सभा की, वहीं सिंधिया 2021 के आखिरी महीने में दिग्विजय के गृह नगर राघोगढ़ पहुंच गए। यहां उन्होंने दिग्विजय सिंह के राइट हैंड माने जाने वाले हीरेंद्र सिंह बंटी बना को बीजेपी में शामिल करा लिया। इसके बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। दरअसल बीजेपी हाईकमान ने केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश की चार चार विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। सिंधिया को राधोगढ़ चचौड़ा के अलावा दो और विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी जिम्मेदारी के सहारे सिंधिया और दिग्विजय सिंह के गढ़ में सेंधमारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सिंधिया ने दोनों ही विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाया और बैठक ली। वो राधोगढ़ और चचौड़ा भी जा रहे हैं। साफ है कि इस बार मध्य प्रदेश में चुनाव शिवराज और कमलनाथ के बीच में नहीं है, दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच लड़ा जा रहा है। दिग्विजय और सिंधिया एक दूसरे के गढ़ में सिर्फ दखल ही नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके बयान भी बता रहे हैं कि अब यहां आर पार की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे पर तीखा निशाना साध रहे हैं। मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच रहा है और एक साल तक इसमें किसी तरह की कोई कमी आती नहीं दिख रही है, क्योंकि साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं तो अगले साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव, और ये भी तय माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने इस कद्दावर नेताओं पर दांव लगाएगी। सिंधिया गुना संसदीय सीट चुनाव लड़ेंगे, इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं, लेकिन दिग्विजय किस सीट से मैदान में उतरेंगे यह अभी तय नहीं है। वैसे संभावना बन रही है कि इस बार दिग्विजय सिंह को कांग्रेस राधोगढ़ से चुनाव लड़ा सकती है। वैसे पार्टी का ध्यान गुना सीट पर भी है, जहां से दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। 2019 के आम चुनाव में दिग्विजय सिंह भोपाल चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, तो सिंधिया को गुना सीट से हार मिली थी। सिंधिया तब कांग्रेस में थे और बीजेपी के केपी सिंह यादव से हार गए थे। इस बार केपी सिंह यादव को टिकट नहीं मिलेगा ये तय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस दिग्विजय सिंह को इस बार गुना से सिंधिया के खिलाफ उतार सकती है? कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सिंधिया को घेरने के लिए खेल सकती है मास्टर प्लान? ब्यूरो रिपोर्ट, दनोदर्पण न्यूज़।